तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल और हम बात करेंगे बेसिक टू एडवांस टॉपिक पे। तो हमने फाइल मेनू बार को इस बैच में खत्म कर चुके हैं। अगली टॉपिक हमारी आती है होम मेनू बार, और होम मेनू बार में हम बात करेंगे क्लिप बोर्ड की, जिसमें हम बात करेंगे पेज स्पेशल की। पेज कॉपी एंड पेस्ट और पेज स्पेशल जनरली आप लोग यूज करते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता नहीं होगा। हम उसी चीजों पर आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको देता हूं। तो हम बात कर रहे हैं पेज स्पेशल की। तो पेज जैसा कॉपी करके पेस्ट कर दियो, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो जैसा है उसी तरह का पेस्ट हो जाता है। लेकिन पेज स्पेशल हमें ये परमिशन देता है कि हम पूरा का पूरा कॉपी ना करें, कुछ पार्ट को कॉपी करें। तो आप राइट क्लिक कीजिए या यहीं से पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल। इसमें कई सारे ऑप्शन है। सबसे पहला आता ऑल, अगर ऑल पे क्लिक है जैसा है उसी तरह का पेस्ट हो जाएगा, जिस तरह का है उसी तरह का पेस्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक कॉपी एंड पेस्ट। सेकेंड ऑप्शन इसमें आता है, वो आता है फॉर्मूला। जैसे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पेस्ट करता है। तो इसमें दो चीजें, पहले समझ लीजिए जो वैल्यू चेंज हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया हुआ है। रैन बिटवीन क्या है, रैंडम नंबर हर बार देता है, जब भी अपडेट होता है एक नया नंबर देता है, जस्ट लाइक ओटीपी, इसलिए चेंज हो रहा है बार बार, इसको इग्नोर कीजिए। उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं सर इतने इसमें तो फॉर्मूला था इसलिए पेस्ट कर दिया इसमें, लेकिन इन सबों में कौन सा फॉर्मूला जो पेस्ट किया। तो पेस्ट एज ए फॉर्मूला का मतलब है ये जो फॉर्मूला बार में विजुअल है उसको पेस्ट करता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे फॉर्मूला हो। तो पेज स्पेशल में जब आप राइट क्लिक करके पेज स्पेशल एज ए फॉर्मूला करते हैं तो फॉर्मूला आपको पेस्ट करता है, बट फॉर्मेटिंग बाकी चीजें को इग्नोर कर देता है। अब आती है बारी पेज एज ए वैल्यू की। जैसे कि हम कॉपी करते हैं तो मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं मैं हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें फॉर्मूला को रिमूव करके चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैन बिटवीन में फॉर्मूला लगा हुआ है तो बार बार नंबर चेंज करता है, तो मैं चाहता हूँ फॉर्मूला रिमूव होकर पेस्ट हो, जो जो कंटेंट इसका दिख रहा है ना वही पेस्ट हो। तो उस केस में पेस्ट स्पेशल में हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं। तो यहां देखिए फॉर्मूला रिमूव कर दिया। लेकिन बात है कि मैं कहीं हमने कॉपी करके किसी और लोकेशन पे पेस्ट किया है ना, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मूला रिमूव करने के लिए। इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है जो कि हर बार नंबर चेंज कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला रिमूव हो जाए, मतलब कॉपी करके कहीं और पेस्ट ना करना चाहता हूँ, मैं इसका फॉर्मूला को रिमूव करना चाहता हूँ। तो कैसे होगा, तो हम इसको कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और इसी में आपको वैल्यू देगा। तो कॉपी कीजिए और उसी के ऊपर पेस्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला रिमूव हो गया। अब इसका यूज हम लोग करते हैं अपनी ऑफिशियल लाइफ में, क्या यूज करते हैं। तो चलिए एक रिपोर्ट जो मेरी बनी हुई है उस पर आपको मैं समझाता हूं। देखिए परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, हमने उठाया एक रिपोर्ट उठाया। अब जब हम रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे इसी रिपोर्ट को आप देख रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में जो बहुत सारे फीचर दिख रहे हैं ये फॉर्मूला से लिंक है। किससे लिंक है, मेरे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, सॉरी मेरे डेटा से लिंक है, वायर फॉर्मूला डेटा से लिंक है। तो मान लीजिए कि अगर डैशबोर्ड मुझे सुनील जी को भेजना है तो मुझे इसका डेटा भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा से लिंक है। अगर डेटा नहीं भेजेंगे तो फिर ये सारे फॉर्मूले वर्क करना बंद कर देगा ना सर। तो मुझे सिर्फ इस डैशबोर्ड शीट को भेजना है, मैं डेटा नहीं भेजना चाहता हूं, डेटा बहुत बड़ा है मेल पे नहीं जाएगा, या फिर डेटा सिक्योर है हमें डेटा नहीं भेजना है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोग पूरी सीट को कॉपी करते हैं, तो पूरी सीट को कॉपी यहां से कंट्रोल सी करने की जरूरत नहीं, तो कैसे करेंगे, तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और करेंगे मूव एंड कॉपी। क्या करेंगे, मूव एंड कॉपी, मूव एंड कॉपी पे जाएंगे और यहां पे न्यू बुक को सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू बुक। और ध्यान रखिएगा
यहाँ जो क्रिएट कॉपी है इस क्रिएट कॉपी को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा आपने नहीं किया तो ये मूव हो जाएगा, कॉपी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कॉपी पे क्लिक किया एंड ओके प्रेस कर रहे हैं। जैसे हमने ओके प्रेस किया, एक नई फाइल में सिर्फ हमारा ये डैशबोर्ड का आ गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी ये फॉर्मूले के साथ लिंक है। अब मेरे सिस्टम पे फाइल है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैं आपको भेजूंगा आई थिंक आपके सिस्टम पे ये ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करेगा। अब क्या है कि बहुत सारे जगहों पे फाइल पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो मैं कहाँ कहाँ फॉर्मूला चेंज करूँ एक एक करके। तो मैंने पूरी सीट को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल में इसी के ऊपर हमने वैल्यू कर दिया। और ऐसा करने से क्या हुआ कि इस सीट में जितने भी फॉर्मूला था वो उसके वैल्यू से रिप्लेस हो गया। देखिए हो गया। अब इसको सेव करके आसानी से किसी को आप मेल कर सकते हैं। समझ गए? तो पेज एज ए वैल्यू का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं। अब बात करते हैं पेज एज ए फॉर्मेट। मान लीजिए कि आपको डेटा नहीं चाहिए, आपको वैल्यू नहीं चाहिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए, इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए। तो फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, पेज एज ए फॉर्मेट, आपका फॉर्मेटिंग आ गया। वो हर तरह के फॉर्मेट को पेज करेगा, किसी भी तरह के डेटा को पेज नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं इसके कमेंट्स की। तो हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक करते हैं। तो कमेंट क्या होता है कि इससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज फाइनल वैल्यू। अब इसको हमने पोस्ट कर दिया। ये कब दिखेगा? जब मेरा इस पे कर्सर जाएगा। जैसे कर्सर जाएगा दिख जाएगा। तो मैं कहीं पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इसमें इसकी किसी भी तरह का वैल्यू फॉर्मूला फॉर्मेटिंग नहीं चाहता हूँ, सिर्फ इस कमेंट को चाहता हूँ। तो राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, इसमें कमेंट एंड नोट्स आता है, कमेंट एंड नोट्स को कर दीजिए एंड ओके कीजिए। ये देखिए आपका कमेंट एंड नोट्स ही आया, बाकी डिटेल्स नहीं आए। उसके बाद हम बात करते हैं कि मुझे इसमें से बॉर्डर नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। हमने कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल, यहां पे दिखेगा ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर। हमने यहां इसको सिलेक्ट कर लिया ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर में। तो अब क्या होगा कि सिर्फ वो बॉर्डर को ही पेस्ट करेगा, बॉर्डर को छोड़ के बाकी सब को पेस्ट करेगा। तो बॉर्डर को इसने छोड़ दिया, बाकी सबको पेस्ट किया। ओके अब इसमें अगला ऑप्शन आता है। देखिए क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको डबल फिट कर रखा है इस तरह से। डबल क्लिक करने से क्या होता है, जितना वाला साइज चाहिए उतना वाला साइज आ जाता है, कॉलम साइज, कॉलम विड्थ ऑटो फिट हो जाती है। तो अब इसको कॉपी करके हम कहीं पेस्ट करते हैं तो हमारी कॉलम की साइज पेस्ट नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, कॉलम की साइज हमारी पेस्ट नहीं होती है। तो साइज भी चाहिए तो क्या चाहिए, जिससे पहले आपने जो रिपोर्ट देखी थी उसमें देखा था कि बहुत सारे फील्ड को छोटा किया गया था, बहुत को बड़ा किया गया था ताकि एक पेज पे व्यू हो, सही तरीके से व्यू हो। तो अगर मान लीजिए ऐसी रिपोर्ट को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हम कॉलम की विड्थ नहीं लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, और इसमें आप दीजिए कॉलम, यहाँ पे सॉरी कॉलम विड्थ, और पेस्ट कर दीजिए। अब ध्यान रखिएगा, जब आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ करते हैं तो आपका सिर्फ कॉलम का विड्थ पेस्ट होता है, डेटा नहीं। अगर आपको डेटा और विड्थ दोनों चाहिए तो आपको आइकन इस्तेमाल करना होगा। कैसे, क्या आइकन? जैसे कि आप पेस्ट करते हैं तो यहाँ आपको आइकन दिख रहा है ना सर, तो आप पेस्ट स्पेशल में ना जाके इसका यूज कर सकते। जैसे पेस्ट, यहाँ पे देखिए पेस्ट, कॉपी पेस्ट नॉर्मल हो गया, फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला विथ नंबर फॉर्मेटिंग हो गया, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग हो गया, ये आपका नो बॉर्डर हो गया, ये आपका आ गया कीप सोर्स कॉलम विड्थ। दिख गया, कीप सोर्स कॉलम विड्थ।
तो जो पेस्ट स्पेशल में जो कमांड है यहाँ आइकन में भी दिया गया, तो आप डायरेक्टली इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट याद होना चाहिए किसका क्या आइकन है। तो सुरेंद्र जी और सुनील जी, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? अब हम बात करते हैं डेट की। अब मेरे डेटा में डेट की भी एंट्री हो गई है। जैसे मैं आज की डेट डाल देता हूं 27 अगस्त, और नीचे की तरफ हमने ड्रैग कर दिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद जैसे की बात है फॉर्मेटिंग फॉर्मूला होगा रिमूव करने के लिए हम लोग पेज एज वैल्यू या पेज एज फॉर्मूला करते हैं, तो एक तरह का नंबर आ जाता है। तो ये नंबर क्यों आया इसको हम बाद में देखते हैं, पहले जानते हैं कि नंबर है क्या। हमने 27 अगस्त डाला तो इसमें आ गया 44070। 44070 है क्या? देखिए आपको इसके लिए समझना होगा एक्सेल की डेट सिस्टम। एक्सेल की डेट सिस्टम में क्या होता है कि जब कोई डेट डालते हो तो डेट दिखता है, लेकिन पीछे सिस्टम जो है अपने पीछे जो वैल्यू स्टोर करता है वो नंबर ऑफ डेट करता है। मतलब कि कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ था वो 1 जनवरी 1900 से। आप जब देखेंगे यहाँ पे ना कैलेंडर में जाके तो 1900 से पहले की कैलेंडर नहीं मिलेगी, 1800 की कैलेंडर नहीं मिलेगी आप। मतलब कि अगर आप डेटा अगर यहाँ पे 10 जनवरी 1880 में डाल दिया, ऐसे 1890 डाल दिया, तो ये एज ए डेट कंसिडर नहीं होगा, एज ए टेक्स्ट कंसिडर हुआ है। इस पे किसी भी तरह का डेट का फॉर्मेट अप्लाई करें अप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं हुआ। मतलब कि डेट नहीं माना सिस्टम ने, कंसिडर नहीं किया। मतलब कि आप यहां 1 लिखते हैं तो 1 जो है हमारा डेट है, देखा आपको January 1, 1900। मतलब कि पहला दिन मतलब कि 1 जनवरी 1900, दूसरा दिन 2 जनवरी 1900, तीसरा दिन 3 जनवरी। इस तरह से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 35, मतलब कि फरवरी मंथ चेंज हो गया। 31 के बाद उसने मंथ चेंज कर दिया, 4 फरवरी कर दिया, ऐसे में 3, 6, 9 कर दिया। तो आप देख रहे हैं 3 जनवरी 1901, मतलब कि इसने ईयर चेंज कर दिया 365 के दिन के अलावा। उसी तरह से 44070 हम डालते हैं तो ये 27 अगस्त है। तो ये जो है कंप्यूटर जो है अपने अंदर जो डेट डालता है वो डेट तो विजुअल होता है लेकिन नंबर ऑफ डेज के रूप में स्टोर होता है, समझ गया। तो जो 44070 है नंबर ऑफ डेज है, 27 तारीख मतलब कि 1 जनवरी 1900 से 27 अगस्त तक कितने दिन हुए हैं वो दिन है। ये समझ में आ गया आपको सुनील जी? सुंदर जी? यस सर। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि प्रोग्रामर ने जिसने एक्सेल बनाया, एक्सेल को प्रोग्राम किया है, उसने ऐसा क्यों किया? बात समझे, ऐसा किया क्यों? तो इसका रीजन ये है कि हम किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट डाल देते हैं तो उस पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो एरर आएगा। बट जो डेट है इस पे हम आराम से इस पे हम 20 ऐड कर देंगे तो हमें डेट आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 20 ऐड हुआ है वो 27 अगस्त पे नहीं, 4407 पे ऐड हुआ। अगर इसको जनरल फॉर्मेट करेंगे तो 007 पे ऐड हुआ है। और रिजल्ट भी 16 सितंबर नहीं, रिजल्ट भी आया है आपका 4490। तो प्रोग्रामर ने ऐसा किया। दूसरी चीज, हम पेज एज ए वैल्यू किए या फॉर्मेट किए तो ये नंबर में क्यों आ गया, अब इस पे आते हैं। तो डेट क्या है, एक तरह की फॉर्मेटिंग है। आप यहां से जब कोई डेट सेलेक्ट करते हैं या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट हैश कर देते हैं तो ये डेट की फॉर्मेट है। मतलब कि यहां से डेट का अप्लाई करते हैं फॉर्मेट, एक तरह की फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या करता है कि उसको डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन यहां पे उठ के आता है कि जब आप कॉपी करके पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो सिस्टम को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट, और डेट भी हालांकि एक तरह का फॉर्मेट है तो
तो उस फॉर्मेट को रिमूव कर देता है। जब फॉर्मेट रिमूव हो जाएगा तो ओरिजिनल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ही पेस्ट होगा, तो यहाँ पे आपका एक्चुअल वैल्यू ही पेस्ट हुआ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप पेस्ट करने का फिर डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट, परसेंटेज का फॉर्मेट, कॉमा वगैरह, डेसिमल वगैरह आपको खुद से अप्लाई करने पड़ सकते हैं। तो उस केस में अगर आपको नंबर की फॉर्मेटिंग, कौन सी, डेट की फॉर्मेटिंग, टाइम की फॉर्मेटिंग, नंबर की फॉर्मेटिंग, परसेंटेज की फॉर्मेटिंग, ऐसे फॉर्मेटिंग को भी रखना है, तो यहाँ पे आप वैल्यू या फॉर्मूला के जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करें एंड ओके करें। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नो सर। यहां तक समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सर। यस सर, यस सर। अब अगला ऑप्शन होता है, जैसे हमें 20 है और यहाँ पे 30 है। अगर हम 20 को कॉपी करके 30 पे पेस्ट करते हैं तो 30 रिप्लेस बाय 20। बट आप पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे जैसे मैंने ऐड सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे 20 जो है 30 को रिप्लेस नहीं करेगा, 20 और 30 के बीच में एडिशन होगा और यहाँ पे टोटल रिजल्ट पेस्ट होगा, मतलब कि 50। मैं दोबारा बताता हूं, जैसे यहाँ पे 30 है और यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि 10 है। अब मैं 30 को कॉपी कर रहा हूं और इसके ऊपर पेस्ट कर रहा हूं। अब मैंने इस बार मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, 30 और 10 के बीच में मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट 300 है वो 300 यहाँ पे पेस्ट होगा। तो उसी तरह से बाकी कैलकुलेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। अगला ऑप्शन आता है स्किप ब्लैंक। अब स्किप ब्लैंक क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना, ये नंबर्स हमारे पास है, ए नंबर एमआरपी है मान लीजिए, और एमआरपी हमारा हमने स्थाय यहाँ पे रख दिया और मैंने बोला कि इसको एक बार रिव्यू कर लो। हमें रिव्यू करके पाया कि नहीं, यहाँ पे 54 होना चाहिए था, यहाँ पे 45 होना चाहिए था, फिर यहाँ पे 21 होना चाहिए था, कुछ एरर्स थे। अब इस तरह से एरर जो थे हमने इसके आगे जो है लिख दिए हुए। अब मुझे इन सारे को इस पे अपडेट करना है। अभी क्या है कि ए जो है हमारा जो है तकरीबन 500 है, और हो सकता है 5000 हो सकता है 5 लाख हो, उसमें आपको 50, 55, 60 इस तरह के अपडेट हो। अब मुझे इसको इस अपडेट को 1 by 1 करना पड़ेगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है ना, इसको कॉपी किया फिर इस पे पेस्ट किया, फिर इसको कॉपी किया इस पे पेस्ट किया, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, तो क्या करूं, तो हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम कर देंगे स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक क्या करेगा कि जो ब्लैंक है उसको कॉपी से बाहर कर देगा, पेस्ट इसको करेगा जिससे हमारे पास नंबर्स हैं, जो नंबर्स हैं उसी पे पेस्ट करेगा, बाकियों पे पेस्ट नहीं करेगा। आपके सामने देख रहे हैं, तो स्किप ब्लैंक समझ में आ गया? यस सर। अब अगला ऑप्शन हमारा आता है, वो आता है ट्रांसपोज। जैसे मान लीजिए डेटा हमारा वर्टिकल है, यहाँ पे डेटा हमने वर्टिकल डाला हुआ है, मुझे इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है, तो राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे गए और यहीं पे आपके सामने आता है ट्रांसपोज। ये क्या करता है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में एंड हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में ट्रांसपोज कर देता है। इसका यूज हम लोग चार्ट वगैरह जब बनाते हैं उस पे इसका यूज करते हैं। अब अगला टॉपिक आता है लिंक, डेटा लिंक। अब डेटा लिंक क्या है समझिए एक बार। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेटा होता है और मैं चाहता हूं कि जो डेटा है वो सेम जगह पे लिंक हो, मतलब कि जो क्वांटिटी आपका है
एक क्वांटिटी मुझे बाकी जगहों पे भी चाहिए। तो जनरली क्या करते हैं लोग, लिंक करने के लिए इक्वल प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं और फिर इसको ड्रैग कर देते हैं। लेकिन आप इसके बजाय क्या कर सकते हैं, कॉपी एज ए लिंक कर सकते हैं। आपने कॉपी किया और इसमें पेस्ट स्पेशल और इसमें आपने कर दिया पेस्ट एज ए लिंक, तो लिंक क्रिएट हो गया। सेम चीज अनुदेश की कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना कि आप एक रिपोर्ट बना रहे हो और रिपोर्ट के पास आपके पास 10 या 15 शीटों का रिपोर्ट है। हर शीट पे एक निश्चित एक पर्टिकुलर सेल पे आपको डेट लिखना होता है। जैसे डेट, आपने डेट लिख दिया। अब मैं हर शीट पे मैनुअली डेट, हर शीट पे अगर मैनुअली डेट डालूंगा तो मुझे एक एक करके डेट डालना पड़ सकता है। या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं डेट डालना एक पे डाल दूं, बाकियों पे डालना भूल जाऊं। तो आप क्या करें कि इसको कॉपी कीजिए, अगले शीट पे जाइए और फिर शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले शिफ्ट पे क्लिक कर दीजिए और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक कर दीजिए। सॉरी, मल्टी शीट पे पेस्ट एज ए लिंक नहीं होता, एक पे कीजिए पहले। इसको कॉपी किया कॉपी किया और राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक कर दिया। और फिर इसको कॉपी करते हैं और सारी शीट पे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं, तो सारी शीट हमारी लिंक हो गई। अब मैं किसी एक का डेट, जैसे इसी का डेट अगर मान लीजिए 28 तारीख चेंज करूंगा, एंटर मारते हर शीट पे 28 तारीख ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। लिंक का यूज करते हैं तो पेज आप एक इक्वल करके जो वन बाय वन लिंक कीजिएगा उससे अच्छा है कि सिलेक्ट कीजिए, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें से मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया को ही पेस्ट करना है, हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और फिर इस पे पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक कर देते हैं। अब पेस्ट एज ए लिंक के बाद अगला ऑप्शन आता है पेस्ट एज ए पिक्चर। जैसे कि हमने इस डेटा को फॉर्मेट कर दिया और मुझे इस डेटा को एक बड़े से डेटा है लेकिन इसके छोटे से एरिया में शो शो करना, मतलब कि मुझे इसको बस इतने ही एरिया में दिखाना है, शो करना है किसी जगह पे। जैसे कि आपका ये है डैशबोर्ड वगैरह है वहां पे, तो दिक्कत होगा क्योंकि अगर कॉलम छोटा करते हैं तो पूरा कॉलम छोटा होगा, तो हो सकता है नीचे बहुत बड़ा डेटा लिखा हो, इसलिए मैं छोटा नहीं करना चाहता। तो क्या करूं इसके लिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें हम कर देंगे, इस पेस्ट स्पेशल नहीं होगा माफ कीजिएगा, यहीं पे आपको दिखेगा पेस्ट एज ए पिक्चर। मैंने इसको पेस्ट एज ए पिक्चर कर दिया, आपका पिक्चर में हो गया। अब इसको आसानी से छोटा किया जा सकता है, हो गया सर छोटा। बट प्रॉब्लम यही है कि मैं अगर इसमें कोई चेंजिंग करूंगा तो यहां चेंज नहीं होगा। आप चाहते हैं कि जब चेंज करें, जब ओरिजिनल डेटा चेंज हो तो हमारा पिक्चर भी चेंज हो, तो उस केस में आपको पेस्ट एज ए पिक्चर नहीं, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक को लेना हो। इसको सेम सीट अनदर फाइल पे भी बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है सर? हेलो, ठीक है सर। अब पेस्ट में पिक्चर लिंक से क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मैं 2004 का बोले, बोले कुछ पूछा, बोले बोले सर कुछ सर, मुझे पेस्ट एज ए लिंक का ये पूछना था कि जैसे मल्टीपल सीट पे अगर पेस्ट करना है तो पहले एक सीट पे करना पड़ेगा ना, जी उसके बाद या मल्टीपल सीट पे कर सकते हैं। जी हाँ, जी एक सीट पे पेस्ट एज ए लिंक कर दीजिए, कॉपी करके बाकियों पे नॉर्मल पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, हमने 2020 किया तो यहाँ पे देखिए 2020 अपडेट हो गया। मैं यहाँ पे अगर किसी तरह का कलर चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा। ये पिक्चर लिंक है, और पिक्चर है इसको आप छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं इसको, और डेटा से लिंक होगा। अब बात करते हैं आज की रिसर्च के बारे में। तो हमने आपको भी थोड़ा देर पहले बताया कि
कि हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम ऑपरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पेस्ट स्पेशल में सिलेक्ट कर लिया डिवाइस है ऐड है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आता है। अब आप लोगों को इसको रिसर्च करना और बताना है कोई एक बेनिफिट, एक ऑफिस में हम किस तरह से इसका यूज करेंगे जिससे वहां बेनिफिट हो, क्योंकि अभी तो कोई बेनिफिट पता नहीं चल रहा ना सर। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रिसर्च कीजिए और मुझे कल की क्लास में बताइएगा कि सर पेस्ट एज ए पिक्चर पेस्ट एज ए ऑपरेशन में हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारी ऑफिशियल वर्क में इस तरह की बेनिफिट हो सकता है। बात समझे सर? तो इसकी रिसर्च आपको आज की क्लास में करनी है। तो आज हमने बेसिक पेज स्पेशल के बारे में डिस्कस किया, हम कल बात करेंगे एडवांस पेज स्पेशल के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेसिक पेज स्पेशल को अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर हम कल बात करेंगे पिक्चर्स लिंक के बारे में, पिक्चर लुकअप के बारे में, ऑपरेशन के बारे में हम बात करेंगे, पिक्चर पेज से पिक्चर लिंक को और अदर अदर एप्लीकेशन से कैसे करें, एंड फाइनली पिक्चर लुकअप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लें प्लीज।